हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर किस तरीके से एक रील को अपलोडिंग कर सकते हो ताकि आपका जो रील्स है बहुत ही जल्दी वायरल हो जाए। उसके लिए पहले आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जिस भी अकाउंट पर वीडियो अपलोडिंग करना चाहते हो उसी अकाउंट पर लॉग इन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे मीडियल के अंदर एक प्लस का बटन होगा, इस पर आपको एक क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपनी गैलरी का जितना भी वीडियो है यहाँ पर शो कर रहा होगा, इनमें से जिस भी वीडियो को आप इंस्टाग्राम के अंदर अपलोडिंग करना चाहते हो उस वीडियो पर एक क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए नेक्स्ट का बटन आ जाएंगे, उस पर आपको एक क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर और एक नेक्स्ट का बटन मिलेंगे, उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग आपको करना है। यहाँ पर देखिए पहला तो वीडियो का बैकग्राउंड पर अगर आप कोई भी म्यूजिक लगाते हो तो ऊपर देखिए म्यूजिक का एक ऑप्शन है, इस म्यूजिक का ऑप्शन पर आपको एक क्लिक कर देना है। म्यूजिक का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा म्यूजिक के ऊपर आप चाहे तो सर्च करके भी अपना हिसाब से म्यूजिक लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए नीचे बहुत सारा म्यूजिक है। अगर आप इस म्यूजिक को लगाने से पहले सुनना चाहते हो तो फिर यहाँ पर दबाने के बाद उस म्यूजिक को सुन सकते हो। सुनने के बाद इस म्यूजिक को आप लगा सकते हो बहुत ही ईजिली। म्यूजिक यहाँ पर लग चुका है, अभी इस वीडियो को चला के देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए म्यूजिक का जो साउंड है बहुत ही ज्यादा है, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर से दबाइए ऑडियो का जो ऑप्शन है इस पर दबाने की बात। अभी देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कंट्रोल करके एक ऑप्शन है, इस पर आपको दबाना है। अभी यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपका ओरिजिनल वीडियो का वॉल्यूम है, इसको आपको ज्यादा कर देना है। ज्यादा करने के बाद राइट साइड का जो वॉल्यूम है इसको आपको कम करना है। ये म्यूजिक का जो वॉल्यूम है और म्यूजिक का वॉल्यूम राइट साइड का है। उसके बाद आपको डन बटन पर क्लिक करना है। डन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सब डाउन करना है। अभी इसको चला के देखते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। अभी देखिए प्रॉपरली इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अटैच हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो फिर ऊपर देखिए एक टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, ए करके एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो। टेक्स्ट को लिखने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का जो फ्रंट है वो भी चेंज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारा फ्रंट आपका सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ से डन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टेक्स्ट के अंदर दो उंगली से आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको कहीं से भी मूव करवा सकते हो। मूव कराने के बाद आप जहाँ पर चाहे आप वहाँ पर उस टेक्स्ट को आप रख सकते हो। टेक्स्ट को रखने के बाद अगर आप चाहे उस वीडियो के अंदर कोई भी स्टिकर लगाना तो फिर ऊपर देखिए स्टिकर का ऑप्शन भी होगा, स्टिकर का ऑप्शन पर आपको दबाना है। स्टिकर का ऑप्शन पर दबाने के बाद कोई भी स्टिकर आप यहां से लगा सकते हो। ऊपर सर्च करने के बाद भी स्टिकर लगा सकते हो। उसके बाद आपको नीचे देखिए एक नेक्स्ट का बटन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कोई भी टाइटल रख देना है। वीडियो का जो टाइटल होता है उस टाइटल को कोई भी टाइटल आप यहाँ से रख सकते हो। वीडियो का मैं एक टाइटल रख देता हूँ यहाँ पर। वीडियो टाइटल लगाने के बाद यहाँ पर कुछ हैशटैग लगाना है अच्छी अच्छी ताकि आपका जो वीडियो है जल्दी वायरल हो जाए। यहाँ पर आप 5 से लेकर 10 हैशटैग आप लगा सकते हो बहुत ही इजीली। यहाँ पर हैशटैग को लगाने के बाद यहाँ पर देखिए और एक ऑप्शन है जो कि टैग प्रोफाइल करके, इस पर आपको दबाना है। इस पर आपको दबाने के बाद आप कोलैबोरेशन कर सकते हो किसी दूसरी प्रोफाइल के साथ। यहाँ पर कोलैबोरेशन करने का फायदा क्या है, अगर आप किसी वीडियो के साथ कोलैबोरेशन करते हैं किसी दूसरी प्रोफाइल के साथ तो फिर उस प्रोफाइल ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपका जो व्यूज है और भी इंक्रीज हो जाएंगी। कोलैबोरेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए इनवाइट कोलैबोरेशन करके एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दूसरा जो जिस भी अकाउंट के साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो उस अकाउंट को यहाँ पर सर्च करें। सर्च करने के बाद उसी अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए अकाउंट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको डन कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए और एक ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि ऐड टॉपिक करके, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पर बताना है कि इंस्टाग्राम को आपको आपका जो वीडियो है वो कौन सा कैटेगरी का है। मेरे केस में मेरा जो वीडियो है लव स्टोरी रिलेटेड है, मैं इसलिए 3 कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, वो भी लव स्टोरी रिलेटेड। यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर डन बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखिए एक लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आपको लोकेशन भी सिलेक्ट करना है ताकि इंस्टाग्राम को पता चल जाए आपका जो वीडियो है कौन सा लोकेशन के लिए है। उसके बाद आपका वीडियो का जो पिक्चर दिख रहा है इस पर लिखा हुआ है एडिट कवर। एडिट कवर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप कौन सा जगह का कवर आप रखना चाहते हो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर डन बटन पर क्लिक करना है। डन बटन पर क्लिक करने के बाद अभी आप इसको शेयर कर सकते हो। नीचे शेयर बटन है, शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद अभी आप इसको शेयर कर सकते हो। अभी देखिए जो पोस्ट है शेयर हो रहा है। ये देखिए मेरा जो पोस्ट है कम्प्लीटली शेयर हो चुका है इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। आप भी अगर इंस्टाग्राम के अंदर रील्स वीडियो पोस्ट करते हो तो फिर आप इस तरीके से पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ मेरे चैनल के अंदर।